हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेप्रिसिएशन टीडीएल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये डेप्रिसिएशन की टीडीएल काफी कॉमन टीडीएल आपने देखी होगी, लेकिन ये थोड़ी एडवांस वर्जन में बनाई हुई है। इस डेप्रिसिएशन टीडीएल में क्या है कि आप मल्टीपल एसेट्स को सेलेक्ट करके एक साथ उनके डेप्रिसिएशन टैक्स रेट को सेट कर सकते हो और डेट वाइज सेटअप कर सकते हो, और बाकी डेप्रिसिएशन चार्ट तो है ही है। अभी यहाँ पे मेरी कुछ एसेट्स बनाई हुई है, जैसे मान लो अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी देखो एसी और फर्नीचर बनाई हुई है। मान लो मैं एसी को लेता हूँ, एक ग्रुप बना लिया एसी का, मान लो मैंने ले लिया 20% एसेट्स ग्रुप, ये मैंने एक एसेट्स ग्रुप बना लिया। इसको मैं एसी को इसके अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से फर्नीचर को मान लो मैं ले लेता हूँ 15% एसेट्स ग्रुप में, ये मैंने यहाँ पे एसेट्स ग्रुप दे दिया है। अब मैंने टीडीएल को लोड कर दिया। टीडीएल को लोड करने के बाद में मेरे यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट्स अल्टर ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स है, पर्टिकुलर मैं एसेट्स के ग्रुप को भी सेलेक्ट करके अगर उसको एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को मैंने सेलेक्ट किया, लेजर नेम। अब लेजर नेम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर किसी एक लेजर को करना कर सकता हूँ। मैंने ऑल आइटम्स कर दिया, ये मेरे सामने सारी डिटेल्स बता दिया है। अब मान लो मुझे इन सब में एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन रेट को चेंज करना, तो मैं एडिट परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लो मेरे को यहाँ पे 1/4 से डेप्रिसिएशन फर्स्ट हाफ का ये मेरा 20% का, तो मैंने ये 20% लगा दिया। इसी तरह से एसेट्स टू, अब एसेट्स टू को मैंने किसी ग्रुप में नहीं रखा है, ये फिक्स एसेट्स ग्रुप में है। मान लो यहाँ पे मैं इसका 30% लगा लेता हूँ। इसी तरह से फर्नीचर का मैंने यहाँ पे 1/4 में 15% लगाया है। ये यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन रेट सेट कर दी है। अब इनकी सबकी डेप्रिसिएशन रेट सेट हो गई है। अब यहाँ पे ये था कि ये डेप्रिसिएशन रेट जो मैंने सेट की है एक एक एसेट्स में जाके की है। अभी मान लो मुझे 15% एसेट्स ग्रुप में, मान लो मैं एक और एसेट्स बना लेता हूँ, पिक्चर्स, ये एक मैंने एसेट्स बनाई, ये भी 15% एसेट्स ग्रुप में है। अब ये 15% एसेट्स ग्रुप में है, अब इसको भी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अब मान लो मुझे केवल 15% वाली एसेट्स ग्रुप के अंदर चेंजेस करना है, तो यहाँ पे मैंने 15% वाली एसेट्स ले ली, ये दोनों एसेट्स आ गई है। अभी एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे अंदर जाके मैं यहाँ पे सीधा कर दूँ और एक एक एसेट्स में जाके चेंज करूँ। अब क्योंकि ये 15% एसेट्स ग्रुप में है, तो इनका डेप्रिसिएशन रेट मुझे 15% रखना, मैं इनको सेलेक्ट करके और डायरेक्ट भी दे सकता हूँ। मान लो मैं 1/4 से इनका 15% का डेप्रिसिएशन देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इनका डेप्रिसिएशन रेट 15% सेट हो जाएगा, ये देखिए। तो मैं चाहूँ तो इसको मल्टीपल बेसिस पे सेलेक्ट करके, मल्टीपल एसेट्स को सेलेक्ट करके सिंगल डेप्रिसिएशन रेट डाल सकता हूँ सभी के अंदर, और अगर एक एक एसेट्स में जाके करना चाहूँ तो एक एक एसेट्स में भी कर सकता हूँ। ग्रुप वाइज फिल्टर दिया हुआ है, एसेट्स वाइज फिल्टर दिया हुआ है, आप उनके डेप्रिसिएशन की रेट सेट कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आपको डेप्रिसिएशन की रेट सेट करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, और एक ऑप्शन दिया होता है सेट डेप्रिसिएशन रेट, यहाँ पे जाके आपको डेप्रिसिएशन रेट सेट करनी होती है, लेकिन आपको इस प्रोसेस में ये करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट की तरफ। यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ट में अगर आप जाते हो तो ये पूरे साल की ट्रांजेक्शन आपके सामने आ गए हैं। 15% एसेट्स ग्रुप में फर्नीचर है, 20% एसेट्स ग्रुप में एसी है। फर्नीचर की 15% रेट है, फर्स्ट हाफ में मैंने 1 अप्रैल को एसेट्स खरीदी है 2 लाख रुपए की, सेकेंड हाफ में मैंने कोई एसेट्स परचेज नहीं की है। अब यहाँ पे देखना, एक खास बात ये होती है कि फर्स्ट हाफ का जो टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर तक का रहता है अगर लीप ईयर नहीं है, और अगर लीप ईयर होता है तो 1 अप्रैल से 5 अक्टूबर तक होता है फर्स्ट हाफ में। दूसरे डेप्रिसिएशन पीडीएल के अंदर आपको 30 सितंबर तक की डेट दी जाती है, कि जो कि गलत होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको एसेट्स की एक एंट्री करके बताता हूँ। मान लो मैं एक एसेट्स की परचेस करता हूँ और वो मैं करता हूँ 5/10 को, ये 5/10 को मैं एंट्री करने जा रहा हूँ एबीसीडी पार्टी की। एक एसी परचेस किया 4 लाख रुपए का, ये एसी मैंने परचेस किया। अब इसके डेप्रिसिएशन चार्ट में हम जाते हैं तो देखिए, ये जो एसी है 4 लाख रुपए का, ये 4 लाख रुपए का एसी ये 5 अक्टूबर को परचेस किया, तो ये सेकेंड हाफ में आ रहा है, क्योंकि 4 अक्टूबर तक का जो होगा वो आपके फर्स्ट हाफ में क्या काउंट किया जाएगा। अगर मैं इसकी डेट एक ऐसी और परचेस करता हूँ और मैं अगर उसको 4 अक्टूबर में परचेस करता हूँ, ये 4 अक्टूबर को मान लो मैं एक 3 लाख रुपए का एसी और परचेस करता हूँ, तो इस एसी की वैल्यू जो है 3 लाख रुपए, ये आपके फर्स्ट हाफ में आएगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ की डेट क्या हो रही है 1 अप्रैल से लेके 4 अक्टूबर की, और सेकेंड हाफ की डेट आ रही है 5 अक्टूबर से लेके 31 मार्च की। उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका डेप्रिसिएशन बनता है बन जाएगा। अब 7 लाख का जो डेप्रिसिएशन है उस पर 20% के हिसाब से बनता है 14,000 रुपये, 1,40,000 रुपये का, और 4 लाख के ऊपर बनेगा 10% के हिसाब से 40,000 रुपये का। तो टोटल 1,40,000 प्लस 40,000, 1,80,000 रुपये का डेप्रिसिएशन बना है।
और लास्ट में इसकी वैल्यू बनती है 9,20,000 रुपये WDV, 11 लाख रुपए की वैल्यू में से ये लेस होने के बाद में। अब यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का अगर लेजर नहीं बनाया हुआ है तो हम डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं। ये डेप्रिसिएशन का मैंने लेजर बना दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पूछेगा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है क्या? हाँ भैया ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसे मैंने यस कर दिया। आपको डेप्रिसिएशन के लेजर में ये मेंशन कर देना है। अब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये केवल एसेट्स को परचेज जो है उनको सेलेक्ट कर लेना है और ऑटो डेप्रिसिएशन एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑटो डेप्रिसिएशन की एंट्री पे क्लिक करोगे आपके इसके डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है। देखो 1,80,000 रुपये की डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे आपके 90,000 रुपये की डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी ऑटो एंट्री भी हो जाएगी। और एक बार ऑटो एंट्री हो गई तो वापस वो आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटो एंट्री नहीं होगी। आप अगर आप वापस आप जाओगे तो देखो 1,80,000 की एंट्री है तो वापस आपके ऑटो एंट्री नहीं हो रही है। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ट आपके इनकम टैक्स के हिसाब से, अगर आप किसी एसेट्स को सोल्ड करते हो तो जैसे मान लो मैं अभी एसी को सोल्ड सेल करता हूँ, मान लो किसी पार्टी को मैं 20,000 2 लाख रुपए में एसी बेचता हूँ, तो यहाँ पर आएगा इस एसेट सॉरी यहाँ पर ये मैंने एसी को सोल्ड किया है। अब ये 2 लाख रुपए की वैल्यू मेरे उस डेप्रिसिएशन चार्ट के अंदर सोल्ड वाली वैल्यू में दिखाई गया। ये 2 लाख रुपए सोल्ड ऑब्लिक ट्रांसफर में दिखा रहा है। अभी तक इसका ब्लॉक पूरा खत्म नहीं हुआ तो ये कंटिन्यू उसके बैलेंस में से कम हो गया और ये वैल्यू लेस करने के बाद इसका जो डेप्रिसिएशन बनता है उसके हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन मॉड्यूल जिसमें आपको एसेट्स का पूरा अल्टरेशन किस तरह से करते हैं वो भी बता दिया है। मल्टीपल लेवल पर आप एसेट्स को अल्टर कर सकते हो और ग्रुपिंग के बेसिस पे आप अपने डेप्रिसिएशन का चार्ट सेट कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।